गट्टू चिंकी की पतंगबाजी। मकर संक्रांति का दिन था, मम्मी किचन में बिजी थी, पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और गट्टू चिंकी पतंग की तरह हॉल में इधर उधर तैर रहे थे। पतंगबाजी करने के लिए दोनों बेसब्र थे। पापा चलिए ना पतंग लाने। हाँ हाँ बस 5 मिनट, न्यूज देख लूं फिर चले जाएंगे। कल कह रहे थे कल जाएंगे, आज कह रहे हो बस 5 मिनट। तभी हाथ में रंगीन पतंग लेकर सोसाइटी के बच्चे आए और गट्टू चिंकी से कहने लगे, तुम दोनों पतंग उड़ाने नहीं आ रहे हो, हम सब ऊपर छत पर पतंग उड़ाने जा रहे हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। तुम सब लकी हो यार, तुम्हारे हाथ में पतंग फड़फड़ा रहे हैं, हमने तो अभी तक पतंग भी नहीं खरीदे। अरे जल्दी जाओ नहीं तो सारे पतंग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर बच्चे अपनी अपनी पतंग लेकर चले गए। 5 मिनट खत्म हो गए और पापा बोले, चलो बच्चों पतंग खरीद कर लाते हैं। गट्टू चिंकी खुश हो गए। हाँ हाँ पापा जल्दी चलो। तभी मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, अरे कोई तो मेरी मदद करो, त्योहार का दिन है, अकेले क्या क्या करूं? रेवड़ियां बनानी है, तिल गुड़ के लड्डू बनाने हैं, खाना भी बनाना है। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिल्लाया, अरे मम्मी हम पतंग लाने जा रहे हैं। बाद में जाना, पहले मेरी मदद करो। पापा आप खड़े क्यों हो, चलो ना। अरे पतंग कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम जाकर मम्मी की मदद करो, बेचारी अकेले काम कर रही है, तब तक मैं न्यूज देखता हूँ। ऐसा कहकर पापा फिर से न्यूज देखने बैठ गए। गट्टू चिंकी को बहुत गुस्सा आया, बेचारों ने गुस्सा कंट्रोल किया और किचन में भागे। गट्टू तुम जरा ये गुड़ बारीक कर दो और चिंकी तुम ये तिल कूट दो, तब तक मैं काजू बादाम के टुकड़े करती हूँ। गट्टू गुड़ बारीक करने लगा, चिंकी तिल कूटने लगी, फिर मम्मी ने घी में गुड़ डाला और फिर कूटा हुआ तिल और ड्राई फ्रूट गुड़ में डालकर मिश्रण तैयार किया। अब बस लड्डू बनाने में मेरी मदद करो, बाकी मैं सब कर लूंगी। मम्मी। नाराज गट्टू चिंकी मम्मी के साथ मिलकर तिल गुड़ के लड्डू बनाने लगे। आधे घंटे बाद सारे लड्डू बन गए। चलो मम्मी बाय, भागो। ऐसा कहकर दोनों किचन से भाग गए। अरे लड्डू तो खाकर जाओ, सुनो। न्यूज देखते देखते पापा ने गट्टू चिंकी को भागते हुए देखा तो पापा चिल्लाए, अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, और पापा भी दोनों के पीछे दौड़ पड़े। गट्टू चिंकी दुकान में आए तो उन्हें एक भी पतंग लटकी हुई नहीं दिखी। अंकल पतंग कहाँ है? बेटा पतंग तो सारी खत्म हो गई, आपको जल्दी आना चाहिए था। ये सुनते ही गट्टू चिंकी की आंख में आंसू आ गए, वो रोते हुए पीछे की तरफ मुड़े तो पापा पीछे खड़े थे। क्या हुआ बच्चों? गट्टू चिंकी ने पापा से बात तक नहीं की, दोनों रोते हुए घर की तरफ भाग गए। गट्टू चिंकी घर आए तो दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। क्या हुआ नहीं मिली पतंग? हमें किसी से बात नहीं करनी। ऐसा कहकर दोनों गुस्से से अपने कमरे में निकल गए। थोड़ी देर बाद हाथ में एक बैग लेकर पापा आए तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बच्चों को, दोनों काफी गुस्सा है। हमारी गलती है सब, हमें पहले से पतंग का इंतजाम कर लेना चाहिए था, पतंग खत्म हो गई इसलिए गुस्सा है दोनों। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, अब कैसे समझाएं बच्चों को? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, दुकान से कुछ रंगीन कागज और पतंग का सामान लाया था, देखते हैं बनाकर, बने तो ठीक नहीं तो क्या करें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं पतंग बनाना जानती हूँ। क्या कह रही हो, बात बन गई फिर तो। फिर क्या था, मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंग बनाने लगी। मम्मी ने सारे सामान का ठीक ठीक उपयोग किया और 5 पतंग बनकर तैयार हो गई। आप बच्चों को लाइए मैं छत पर जाती हूँ। पापा बच्चों के कमरे में आए, गट्टू चिंकी रो रहे थे, पापा को देखकर दोनों और गुस्सा हो गए। पापा प्लीज आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। मैं तुमसे बात करने नहीं, बस ये कहने आया था कि ऊपर छत पर तुम्हारी मम्मी पतंग उड़ा रही है। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए, क्या सच? तुम खुद चलकर देख लो। गट्टू चिंकी पापा के साथ छत पर पहुँचे तो मम्मी पतंग उड़ा रही थी।
गट्टू, चिंकी, आओ, कितना मजा आ रहा है। मम्मी, ये पतंग कहाँ से लाए आपने? तुम्हारी मम्मी ने खुद बनाए हैं, एक नहीं पांच पांच। सच मम्मी, आपने कैसे बनाए? जैसे तुम दोनों ने तिल गुड़ के लड्डू बनाए। चलो पतंगबाजी करते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी भी पतंग की तरह हवा में तैरने लगे और मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंगबाजी का आनंद लेने लगे।